पिताजी, क्यों क्यों और क्यों? इस डेढ़ अक्षर के शब्द के समक्ष मेरा संपूर्ण अस्तित्व बौना सा हो जाता है। क्योंकि गहराई मुझे किसी अंधे कुएं से प्रतीत होती है, क्योंकि ऊंचाई वह तो अनंत से भी परे लगती है, क्योंकि सच्चाई किसी झूठ से साबित होती है, क्यों का विस्तार दो देशों के बीच लगी कटीली बारियों सा चुभता है, क्यों का औचित्य किसी अन्वेषक की विचार श्रृंखलाओं का ताता है, क्यों का रोष पहाड़ी नदी सा घुमड़ता है, क्यों का आवेग रोके नहीं रुकता है, क्यों आखिर क्या है? क्यों एक भंवर है, क्यों एक पथरीली डगर है, क्यों क्यों अमर है, क्यों कहा तो खता है, क्यों सहा तो सजा है, क्यों ये सबको पता है, क्यों से मेरा रोज का वास्ता है, क्योंकि एक अजीब दास्ता है, क्यों मिलने बिछड़ने का रास्ता है, क्यों से मेरा नाता एक पहेली है, क्यों कोई छलिया है या फिर एक सहेली है। दूसरों की वेदना को भी कवि वाचा दे सकता है। एक पिता की वेदना के माध्यम से मैं आपको एक कविता कहती हूँ। न देख सकी थी एक पिता की सुनी आंखों का सूखा आंसू, न देख सकी थी एक पिता की सुनी आंखों का सूखा आंसू, न सुन सकी थी उसकी मौन वेदना का करुण क्रंदन, न पूछ सकी थी क्यों हंसता पौरुष ऊपर से और रोती एकलता भीतर से, न समझ सकी इस विधान को, मूल्यों के पतन को, रिश्तों की टूटती कड़ी को, बढ़ते हाथ और सरकती छड़ी को। आज मैंने गांधी के तीन बंदरों का वास्तविक अर्थ जाना, मेरी दशा कुछ वैसी ही थी। Now, long awaited rain, मेघ ने मनाव पड़े एवी बात कहूँ छू। कोई मेह को मना कर ले आओ, कोई मेह को मना कर ले आओ, आहत है धरती और प्यासी है सृष्टि, बनके बाशिंदों की आंखें हैं टपकी, बैरी सताए क्यों अब की, कोई सौदे उसे खींच लाओ, जाओ मनुहार कर ले आओ, कोई मेह को मना कर ले आओ। अवनी बेरंग हुई मेले उमंग नहीं, सखियों के संग नहीं, झूले और पेंग नहीं, कोई सौतन पवन को समझाओ, जाओ उसे छीन लाओ, कोई मेह को मना कर ले आओ। बिरहा के गीत कहूँ, पूजा प्रसाद धरूं, छलिया से प्रीत करूं, चरणन में धो धो पीऊं, कोई देवों के देव को रिझाओ, सागर उलीच उसे पाओ, जाओ मनुहार कर ले आओ, कोई मेह को मना कर ले आओ, कोई मेह को मना।